नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर, इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज बहुत ही जबरदस्त प्लान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिसका नाम है हेल्थ एडवांटेज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हेल्थ एडवांटेज प्लान जेन्युइनली अपने आप में जबरदस्त और अमेजिंग है। ऐसे ऐसे यूनिक फीचर इस पॉलिसी के अंदर आपको मिलेंगे जो शायद ही आपको किसी और कंपनी के अंदर मिले। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक इस वीडियो में बने रहे, और जो लोग एंड तक बने रहेंगे उनको दो बोनस पॉइंट अलग से मिलेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट जरूर करें, बताएं जरूर आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। जल्दी से फटाफट यूएसपी के ऊपर बात कर लेता हूं। क्या जबरदस्त शानदार यूएसपी प्लान के अंदर दोस्तों, दिस इज द ओनली प्लान जिसके अंदर ओनली 9 मंथ वेटिंग पीरियड है मैटरनिटी के लिए, और 10 लाख रुपए तक का मैटरनिटी इस पॉलिसी के अंदर कवर किया जा सकता है। जेन्युइनली अमेजिंग फीचर, पहला फीचर इतना शानदार है। दूसरे फीचर्स की बात कर लें, यहां पर नो क्लेम बोनस नॉन रिवर्सेबल है। एवरी ईयर 20% बोनस मिलेगा, और एक बार पॉलिसी में बढ़ गया तो कभी भी रिवर्स नहीं होगा। एवरी ईयर 20%, 5 साल में 100% तक चला जाएगा और बढ़ने के बाद रिवर्स नहीं होगा। दैट इज सेकेंड यूएसपी। थर्ड यूएसपी की बात कर लें, दिस इज द प्लान जिसके अंदर आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, 4 साल का नॉर्मल वेटिंग पीरियड है, इसको 3 साल करा सकते हैं, इसको 2 साल करा सकते हैं। रिडक्शन इन पीडी, रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिसीज ऑप्शनेबल प्लान है, जिसमें 4 साल के बदले 3 साल या 2 साल आप कराना चाहें आप करा सकते हैं। दैट इज द यूएसपी, थर्ड यूएसपी। फोर्थ यूएसपी की बात करें, दिस इज द प्लान जिसके अंदर स्पेसिफिक ऑपरेशन नीड, जो कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी इशू, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, जो आपको नॉर्मली सभी कंपनीज के अंदर 2 साल वेटिंग पीरियड होता है, यहां पर आप 1 साल वेटिंग पीरियड करा सकते हैं। उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन वो वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल हो जाएगा। इट्स अप टू यू, दैट इज ऑल्सो चूज बाई यू। नेक्स्ट, ये फोर्थ यूएसपी बताई मैंने, अभी खत्म नहीं हुआ है सर, इसमें बहुत सारी यूएसपी है। पांचवी यूएसपी इस प्लान के अंदर कि यहां पर रिस्टोरेशन शानदार है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अवेलेबल है 100%, और सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर्ड है। जेन्युइनली अच्छा और बढ़िया फीचर, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, छठा फीचर भी है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल है, जो कि जनरली ज्यादातर प्लान्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। अपने आप में बड़ा और अच्छा फीचर है, अप टू सम इंश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, यहाँ पर सम इंश्योर्ड 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक अवेलेबल है, जो कि अपने आप में अमेजिंग है। इस तरह का ऑप्शन आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। अभी एट लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ पर एक और जबरदस्त फीचर, जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल कैश फीचर। 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर डे अवेलेबल है, इनबिल्ट राइडर है। उसके लिए स्लाइटली प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको, और क्या होगा, 10,000 रुपए पर डे आप यूज कर सकते हैं। इसमें 48 आवर्स एडमिट होना मैंडेटरी रहेगा, और अपना पूरे साल में 45 दिन तक यूज कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन 2 दिन कंप्लीट एडमिट रहता है तो पहले दिन का पैसा भी मिलेगा, 5 दिन एडमिट रहता है तो 5वें दिन का पैसा इलाज भी मिलेगा, और 10,000 रुपए पर डे भी मिलेगा। 50,000 रुपए अगर 10 दिन एडमिट रहे तो 1,00,000 रुपए प्लस इलाज, पूरा कैशलेस या रिइंबर्समेंट, वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल रहेगा। एक एक चीज डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और कौन लोग नहीं। 18 साल से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है, ये पहला फीचर है। चाइल्ड एज की बात करें तो यहां पर 91 डेज से लेके 25 इयर्स तक एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी के अंदर रह सकता है। यहां पर 2 वेरिएंट आते हैं, रॉयल एंड अपेक्स। रॉयल के अंदर 5 लाख से पॉलिसी शुरू होके 50 लाख तक पॉलिसी ले सकते हैं, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख। एपेक्स की बात करें तो वो 75 लाख से पॉलिसी शुरू हो जाती है, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ तक पॉलिसी ली जा सकती है। दोनों वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, दोनों वेरिएंट यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आपके बात करें तो पेरेंट्स भी इस पॉलिसी में दिए जा सकते हैं एक साथ, हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड के मदर फादर या वाइफ के मदर फादर को एक साथ 6 एडल्ट और 3 चाइल्ड मैक्सिमम इस पॉलिसी में कवर किए जा सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर। पेरेंट्स के अलावा अगर पेरेंट्स को कवर नहीं करना है तो हस्बैंड के भाई बहन, वाइफ के भाई बहन, किसी को भी लिया जा सकता है, चाहे वो कितने भी एज के क्यों ना हो, 18 से 65 में किसी भी एज में क्यों ना हो, उनको ऐड किया जा सकता है। 6 एडल्ट कोई भी हो चूज किए जा सकते हैं इस प्लान के अंदर, या ऐसा प्रोविजन इसमें अवेलेबल है।
अब जल्दी से बात कर लेते हैं प्लान में फीचर्स क्या क्या। मैटरनिटी कवर इस प्लान में 3 साल का प्रीमियम अगर आप वन गो में पे करते हैं तो 9 मंथ्स के बाद ही मैटरनिटी कवर है, 10 लाख रुपए तक कवर है या 10% ऑफ सम एश्योर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। और इस प्लान में 3 डिलीवरी आप यूज कर सकते हैं, 3 बार डिलीवरी का खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने विद इन 3 इयर्स कोई क्लेम नहीं लिया, किसी वजह से डिलीवरी नहीं भी हुई, तो अगले 3 साल में कभी भी डिलीवरी होगी आपका पूरा आराम से क्लेम मिलेगा। 3 डिलीवरी का क्लेम इसमें आप यूज कर सकते हैं। जनरली अच्छा अच्छा फीचर, शानदार फीचर, ऐसा प्लान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और अगर किसी का ट्विंस डिलीवरी रहती है, एक ही पहली डिलीवरी में ट्विंस हो जाते हैं तो वो 2 डिलीवरी काउंट होती है। ठीक है, ये पहला फीचर था। आगे बात कर लें, यहाँ पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। यहाँ पर 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 30 दिन लेना है या 60 दिन लेना है। 30 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 60 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आपके पास चॉइस है। आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो 60 डेज 90 डेज भी कर सकते हैं। 60 दिन पहले का खर्चा और 90 दिन बाद का खर्चा, इट्स वेरिएबल, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर 30-60 लेंगे प्रीमियम कम आएगा, 60-90 लेंगे कंपैरेटिवली स्लाइटली ज्यादा आएगा। नेक्स्ट वेरिएंट इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर यूनिवर्सल रूल सभी पॉलिसीज के अंदर होते हैं, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। 24 घंटे एडमिट रहना जरूरी होगा। नंबर 2, आज पॉलिसी लिए तो 30 डेज वेटिंग पीरियड जरूरी होगा। और नंबर 3, एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ेगी तो ऊपर के दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, ना 24 घंटे के और ना ही 30 दिन के। ये बेसिक रूल है जो आपको सभी कंपनीज के अंदर फॉलो करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रूम रेंट की। रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम जितने का भी हो आप किसी भी हॉस्पिटल में यूज कर सकते हैं। आईसीयू रूम की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर। बात करें नो क्लेम बोनस की, तो पॉलिसी में जिस साल भी क्लेम नहीं आएगा हर साल 20% बोनस बढ़ेगा, गारंटीड बोनस बढ़ेगा और रिवर्स नहीं होगा क्लेम आने के बाद भी। ये इस पॉलिसी में वेरी वेरी यूनिक फीचर जनरली अवेलेबल है, यानी कि 5 साल में पॉलिसी आपकी बाय डिफॉल्ट क्लेम आए या नहीं आए डबल हो जाएगी। 10 लाख की पॉलिसी 5 साल में 20 लाख की हो जाएगी, 20 लाख की पॉलिसी 5 साल में 40 लाख की बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, क्लेम आए या नहीं आए। जनरली अच्छा फीचर है। नेक्स्ट बात कर ले, यहाँ पर रिस्टोरेशन बहुत ही शानदार है, 100% एग्जॉस्ट होने की कंडीशन नहीं है। 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 50 लाख के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री है। और अगर एक क्लेम मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, क्लेम 8 लाख का आ गया और दूसरा क्लेम अगेन 10 लाख का सेम डिसीज के लिए भी आएगा तो पास हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। हेल्थ चेकअप एवरी ईयर पॉलिसी में आप यूज कर सकते हैं, 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप इस पॉलिसी में अवेलेबल है। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको कोई हेल्थ चेकअप किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं तो आप वो हेल्थ चेकअप भी इस पॉलिसी के थ्रू करा सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन किसी और प्लान में नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल है सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग। अगर 10 लाख का पॉलिसी है तो आप 5,000 रुपए तक के टेस्ट करा सकते हैं, 20 लाख की पॉलिसी है तो आप 10,000 रुपए तक के टेस्ट इसमें पॉलिसी में आराम से करा सकते हैं, वो कोई भी टेस्ट हो, इट्स योर विश। यहाँ पर प्रोविजन बहुत अच्छा है। आगे बात कर ले, यहाँ पर बेरियाट्रिक सर्जरी आल्सो कवर है इस पॉलिसी के अंदर, 50% ऑफ सम एश्योर्ड, जनरली अच्छा और बढ़िया फीचर। एनिमल बाइट 10,000 रुपए तक का, किसी भी तरह का कोई एनिमल बाइट होता है वो भी इस पॉलिसी में कवर रहेगा। यहाँ पर आपका नॉर्मल एयर एम्बुलेंस भी कवर है, रोड सरफेस एम्बुलेंस भी कवर, जो नॉर्मल एम्बुलेंस होती है वो भी कवर्ड है आपका 10,000 रुपए तक। रोड एम्बुलेंस है 10,000 रुपए तक, एयर एम्बुलेंस है अप टू सम एश्योर्ड तक। जनरली अच्छा और शानदार फीचर। प्लस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स दिए हुए हैं पॉलिसी के अंदर, आप थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करके कई तरह के एडवांस राइडर्स ले सकते हैं, जैसे कि आप पर्सनल एक्सीडेंट राइडर ले सकते हैं जिसमें एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होगा, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी कवर होगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर होगा। और मैं हमेशा लोगों को एक बात बताता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी 100% कवर नहीं है, पूरा कवर नहीं है। अगर आप साथ में एक्सीडेंटल राइडर नहीं लेते हैं या एक्सीडेंटल पॉलिसी साथ में नहीं लेते हैं तब जाके आपका कवरेज 100% होगा, जब आप दोनों पॉलिसीज को साथ में लेते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन रहती है हेल्थ के साथ एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर लेना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, जब भी कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह होता है और जिसमें 5 दिन 10 दिन 15 दिन इलाज चलता है और कई बार एक्सीडेंट के बाद वो बंदा
नहीं बचता, बंदे की डेथ हो जाती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इलाज का पैसा देती है। जो वो बंदा गया, जिसकी फैमिली में से उस बंदे की डेथ हुई, उस फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलता अगर आपने एक्सीडेंटल कवर नहीं लिया है। तो प्लीज दोस्तों, लोग टर्म प्लान लेने में बहुत समय लगा देते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी साथ में लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जरूर लेनी चाहिए। प्लीज अपनी फैमिली के लिए, आप सब कुछ हैं, उनको इग्नोर ना करें। चलिए आगे बात करते हैं। साथ में क्रिटिकल इलनेस राइडर है, जितने लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं इतने लाख का इंडेमनिटी पॉलिसी के साथ साथ आपका बेनिफिट प्लान है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर आपने मान लीजिए 20 लाख का इंश्योरेंस लिया है और हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, 20 लाख के साथ आप 20 लाख का ही क्रिटिकल इलनेस साथ में राइडर ले लेते हैं, तो कभी भी कोई भी 20 क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट है उसमें से कोई भी डिसीज डायग्नोस होने पे इलाज भी मिलेगा और 20 लाख रुपए कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देगी सिर्फ डायग्नोस होने पे। यहाँ पर सर्वाइवल पीरियड भी रिक्वायर्ड नहीं है, कि ज्यादातर पॉलिसीज के अंदर क्रिटिकल इलनेस डिसीज होने पर 30 डेज सर्वाइवल रहना जरूरी होता है, यहाँ पर वो एप्लीकेबल नहीं है। ओनली एक बेसिक कंडीशन है, पॉलिसी लेने के 90 डेज के बाद ही क्रिटिकल इलनेस एप्लीकेबल होता है, क्रिटिकल इलनेस प्लान एप्लीकेबल होता है। और कोरोना भी पॉलिसी में 30 दिन के बाद कवर है, जेन्युइनली अच्छा और बढ़िया फीचर है। आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी अवेलेबल है, यहाँ पॉलिसी 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए आराम से ली जा सकती है। 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम देते हैं तो टोटल सेकेंड ईयर के प्रीमियम में 7.5% डिस्काउंट मिलता है, और अगर 3 साल का प्रीमियम लेते हैं तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने पूरे प्लान की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी। इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई चीज ऐसी है जो आपको पूछना है, हमारे थ्रू पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर क्वेरी कर सकते हैं।